जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? इसका सही जवाब है नेल्सन मंडेला। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे लाइव चैट में दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद होते हैं, इसलिए आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर लिखेंगे। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर के पिता कौन थे पूछा जाता है, तो फिलिप्स द्वितीय, याद रखना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिलिप्स द्वितीय, ये सिकंदर के पिता थे। तीसरा प्रश्न है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, अफीम युद्ध जो है ये ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। पहला अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर 42 तक। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 तक। और दोनों अफीम युद्ध में ब्रिटेन विजयी रहा था। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता और भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे, इस प्रश्न पर स्टार भी लगा ले। तो स्वतंत्रता समानता और भाईचारा का जो नारा है ये किस क्रांति के साथ संबंधित है? सही जवाब है फ्रांस की क्रांति। चलिए बात करते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। अमेरिकन क्रांति की बात करें तो 1765 से 83 तक चला था। बात करें चीन की क्रांति तो 1911 में। रूस की क्रांति इम्पॉर्टेंट है, 1917 में रूस की क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो जैन अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। सही जवाब है ए ऑप्शन, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था ये भी पूछा जाता है, तो 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चलिए देखिए, यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो ये अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम। अगर लेकिन पूछे कि संपूर्ण समाप्ति कब किया गया था कौन सा अधिनियम से, तो ये हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया
तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन संपूर्ण पूछे तो आपको सी वाला को आंसर देना है, यानी 1833 का चार्टर अधिनियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे, यानी किस आंदोलन के ये नेता थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और ये बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? तो 1928 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक किया करें और सेशन को अधिक से अधिक सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHUB बोला जाता है शॉर्ट में, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 1916 में BHU की स्थापना हुआ था, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बात करें गदर पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की जाती है और इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। और गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के उपाध्यक्ष थे। और देखिए, कभी कभी ऑप्शन में गदर पार्टी के संस्थापक जो ऑप्शन बी में है सोहन सिंह भाकना, इसके जगह पे लाला हरदयाल भी मिलता है, तो दोनों को याद रखना है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल को ऑप्शन में जो मिले आपको वो आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया था? तो 13वें प्रश्न का आंसर है चाय की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की? चलिए आंसर बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा की थी? तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को और समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल, आप सभी जानते हैं। तो इनके अनुयायियों ने लगभग 24 दिनों की यात्रा की थी, तो ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? तो देखिए, ये जो नारा है ये दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कमेंट करके थोड़ा सा कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है। चलिए वेट करते हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएंगे, लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य की उपाधि दिया गया है। एक होता है लोकनायक, दोनों को ध्यान रखना है। लोकनायक की उपाधि ये जयप्रकाश नारायण को दिया गया है, जयप्रकाश नारायण को, और लोकमान्य पूछे तो बाल गंगाधर तिलक को। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो याद रखना है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर करेंगे। और देखिए, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए साइंस GK का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस क्लास के बाद ठीक रात 9 बजे अभी वही क्लास होने वाला है,
रात 9 बजे की क्लास में साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो 16वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पाली ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ प्रश्नों को बता देते हैं कि पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया गया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। और भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये राजगीर में है, आप सभी जानते हैं। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो देखिए महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? सही जवाब है हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? सोच समझ कर आंसर करना है। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप सभी लाइक करें। तो 19वें का आंसर है ऑप्शन बी कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। स्थान का भी नाम याद रखना है, वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देखिए ये जो महापरिनिर्वाण है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सही जवाब है कुशीनगर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में, याद रखना है पावापुरी जो कि बिहार में पड़ता है, और महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में, दोनों को ध्यान रखना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे किसके लिए। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। सी ऑप्शन सही जवाब है। महावीर का मूल नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर है, और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो सही जवाब है वर्धमान। और सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो देखिए 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। तो सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1936। और देखिए एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में भी हुआ था, तो ये वाला नहीं 1936 वाला है, ये ध्यान रखना है। लाहौर अधिवेशन पूछा जाता है 1929 में, ध्यान रखना है ये अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। और लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो 25वें का आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? चलिए आप सभी 26 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे।
तो देखिए ये दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, सही जवाब है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था। तो 28वें का आंसर है डी ऑप्शन, ग्वालियर टैंक मैदान में। ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हिंदू महासभा हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी ने समर्थन नहीं किया था। लास्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था। तो देखिए इसका कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, डी ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें,